बताएंगे रायपुर की, जहां हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज से शुरू हुआ। आज सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 6 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 28 जिलों में धरना दिया जाएगा और 7 अक्टूबर को रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की मांग है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, योगी सरकार को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। तो महिलाओं के खिलाफ लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर से हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले अतुल आपके पास आऊंगी कि आज प्रदेश भर में मौन प्रदर्शन होने वाला है, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या मकसद है कांग्रेस का? देखिए बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय हमने देखा है कि महिलाओं को लेके जो है सियासत गरमाई हुई है, उसी के तर्ज पे मध्यप्रदेश में भी अगर हम देखें तो मध्यप्रदेश के अंदर भी महिला सुरक्षा और महिलाओं पे बढ़ते हुए जो घटनाक्रम है यानी दुष्कर्म के जो छेड़छाड़ के जो मामले हैं उसको लेके अब सियासत शुरू हो चुकी है। अमनदीप, मध्यप्रदेश के अंदर 28 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो विपक्ष है वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जिसपे सत्ताधारी पार्टी को घेरा ना जाए, वही एक अहम मुद्दा है। लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं, लगभग 3 साल से मध्यप्रदेश दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 है। वहीं अगर जो ताजा मामला आया है एनसीआरपी की रिपोर्ट हम देखें जो 1 अक्टूबर 2020 को आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश दलित बच्चियों के मामले में नंबर 1 पे आया, यानी पूरे देश में दलित बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं उसमें मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें एनसीआरपी के आंकड़ों की बात करें तो 214 मामले दलित बच्चियों के ऊपर दुष्कर्म के अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, यह आंकड़े यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक माह के बीच के हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 114 मामले दलित बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए जा सके, जो एक बड़ा आंकड़ा है अमनदीप। यानी जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, अगर हम बीजेपी की बात करें जो 15 साल की सरकार रही है, हम कांग्रेस की बात करें जो 1.5 साल सरकार रही, इन दोनों सरकारों का अगर हम दावे की बात करते थे तो कहीं ना कहीं दोनों ही सरकार ये महिला सुरक्षा को लेकर वाकई में अतुल और अभी भी सिर्फ इसको लेकर राजनीति ही की जा रही है, क्योंकि हम दोनों ही सरकार के नतीजे देख चुके हैं। अपराध की अगर बात करें तो कहीं पर भी कंट्रोल नहीं हुआ है। सुप्रिया आपके पास आऊंगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ही यूपी को लेकर आज प्रदर्शन करने वाली है, इसकी शुरुआत करने वाली है। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर खुद का जो अपराध का ग्राफ है वो काफी ज्यादा है। 2018 की अगर हम बात कर लें तो वहां पर नाबालिगों के साथ में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 3रे नंबर पर था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और आज जो प्रदर्शन शुरू होने वाला है, आज से जो 3 दिवसीय प्रदर्शन शुरू होने वाला है, आज प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो 3 दिवसीय कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो भी बनाई जा रही है और इनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है उसे तत्काल रूप से भंग किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में भी एक किशोरी को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म किया गया था, जिस वजह से यहां पर जो सियासत भी गरमाई हुई है। मंत्री शिव डहरिया ने विवादित बयान दिया था, मंत्री शिव डहरिया ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की घटना बड़ी है और छत्तीसगढ़ की छोटी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा जो है सियासी नोकझोंक भी शुरू हो गई थी। कल भाजयुमो ने जो है मंत्री शिव डहरिया को गेटवेल सुन काट देकर प्रदर्शन किया है और मंत्री से मतलब भूपेश सरकार अक्कर सरकार से मांग मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की है। इसी के साथ ही मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है, मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया जाए, कृपया उसे सुधारा जाए। तो ये तमाम जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। वही भाजयुमो भी कहते हुए नजर आ रही है कि हम राहुल और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में भी आमंत्रित करते हैं और उन्हें ये देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किस तरीके से यहाँ पर किशोरी के साथ में दुष्कर्म हुआ, किस तरह से उनके परिवार जो पीड़ित है, किस तरह से उनके परिवार की जो हालत है वो देखे राहुल और प्रियंका गांधी। इसी तरीके से जब
मांग है वो छत्तीसगढ़ में जो भाजपा पार्टी है वो भी कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर खुद जो रेप केसेस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने राजस्थान में भी देखा, उसके बाद में अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आता है कि जो घटना है वो उतनी बड़ी नहीं है। उनको इस बात से ज्यादा दुख था कि जो राजस्थान में घटना हुई है उसकी तुलना हाथरस से की जा रही है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी एक मामला सामने आया जिसके बाद में मंत्री ऐसा बयान देते हैं कि ये जो घटना है वो छोटी है, उसकी तुलना करते हैं। जब खुद के राज्य में रेप पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उस बीच बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, 3 दिनों तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। और ये भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं है, इस वजह से कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से यहाँ पर बड़ी घटना हुई है। वहीं हालांकि बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी घटना हुई है जिसे लेकर के मंत्री ने ये भी कहा है कि उसे लेकर के जाँच की जाएगी, उसके लेकर आरोपियों की जो पहचान है वो की जाएगी और जल्द से जल्द उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो तमाम जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार ने कही है। तो वहीं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है जिसे लेकर के काफी आंदोलन जो है वो आक्रामक होता जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर घटना हो रही है वो घटना जो है वो सही नहीं है। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी किशोरी के साथ नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसकी जांच कराएगी ऐसा कहना है। और साथ ही मंत्री ये भी कहते हैं कि जो घटना छत्तीसगढ़ की वो छोटी है तो इसकी जांच की जाएगी। तो छोटी और बड़ी घटना को लेकर आज भी जो है सियासत गरमाया हुआ है और इसी वजह से जो है आज भाजयुमो सरकार का पुतला भी जलाएगी, प्रदेश सरकार का पुतला जलाएगी और उनसे मांग करेगी कि जब आप बेटी कहते हैं, देश की बेटी कहते हैं, तो देश की बेटी के साथ यदि कोई भी बलात्कार की घटना होती है तो चाहे वो किसी भी राज्य में वो छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। तो ये तमाम जो मुद्दे है वो गरमा रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहाँ पर प्रदेश सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी भी उतर रही है और वो भी उनके विरोध में प्रदर्शन करेगी कि यदि उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना हुई है उस घटना को देखने राहुल और प्रियंका गांधी जा सकते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं। अगर वो उन्हें आने में दिक्कत हो रही है तो हम टिकट के पैसे भी दे देंगे। इस तरह की जो मांगे है वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल अतुल, आपके पास आऊंगी। पिछले दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक युवती के साथ में बलात्कार होता है, 4 दिन तक वो थाने के चक्कर काटती रहती है, किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं होती है, उसके बाद में वो आत्महत्या कर लेती है, तब इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही है और जो राजनेता है वो उपचुनाव में बिजी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पास्को एक्ट के लिए जिस तरीके से पूर्व की जो शिवराज सरकार थी, यानी जो 15 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया था कि बलात्कार के मामले में यानी दुष्कर्म के मामले में सजाए मौत की सजा दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसके ऊपर केस लाया जाएगा। लेकिन अमनदीप, जिस तरीके से ये ऐलान तो किया गया, ये कानून भी बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना था, जो धरातल पे आना था, वो अभी तक ऐसा हमने देखा नहीं है। सजाए मौत की जो है सजा भी मिली है, लेकिन कई ऐसे केस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं कि उसको जो है फांसी पे लटकाने को लेकर अभी भी विचार मंथन किया जा रहा है। यानी कुल मिला के जो है प्रावधान बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन कानून को जमीन स्तर तक लाने के लिए शासन प्रशासन की जो है पूरी तरीके से पसीना छूट रहा है। हालांकि लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि महिला के साथ जो है दुष्कर्म होता है फिर आत्महत्या होती है, ऐसे तमाम केस अमनदीप अगर हम पिछले 7 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में हम देखते हैं, हम खरगोन को देखते हैं, खरगोन में महिला के साथ बलात्कार हुआ है। अगर हम देखते हैं हटा की बात करें तो हटा में बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, नरसिंहपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जबलपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। यानी 7 दिन के अंदर अगर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जो है चरमरा चुकी है। बेखौफ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ दुष्कर्म का जो है अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के ऊपर और सरकार के ऊपर दोनों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से कानून नहीं बनाया जाता है, या क्यों कानून बनाने के बाद उसका ढुलमुल रवैया रहता है कि उसको सजा नहीं मिल पाती है। ये जरूर एक अपने आप में सवाल उठ रहा है। हालांकि सियासत के तौर पर देखिए हम अमनदीप, तो मध्य प्रदेश में
आज कांग्रेस पूरे जो पूरे जिले है वहां पे धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, मौन धरना प्रदर्शन करके सत्ताधारी को घेरने का जो है आंदोलन भी कर रही है। लेकिन अगर हम दोनों ही राजनीतिक दल की बात करें तो जितना ही संवेदनशील मुद्दा है तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखते हैं तो जमीनी स्तर पर ऐसे किसी भी प्रकार का कठोर कानून जो है सामने नहीं लाया जाता है जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा मिले, बच्चियों को सुरक्षा मिले। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इस एक सर्वनाश तमगा हमारे पर लगा हुआ है, दलित बच्चियों के मामले में हम पूरे देश में नंबर वन पे आ रहे हैं, तो कम से कम पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये एक सर्वनाश तमगा तो है ये। लेकिन एक सवाल जो है इन राजनीतिक दलों के ऊपर भी है, इन सियासतदारों के ऊपर भी है जो लगातार सिर्फ दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा, अभी भी अपने राज्य को दूसरे राज्य से कंपेयर करने में जुटे हुए हैं राजनेता। देखें तो ये घटना छोटी है, ये इस घटना की उस घटना से तुलना की क्यों की जा रही है। उसके बाद में यूपी के जो एक विधायक है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि संस्कारों में कमी है, तो इस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है जबकि मामला इतना संवेदनशील है, पार्टी से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है, पर अभी भी राजनीति ही सिर्फ यहां पर की जा रही है। इस समय बयानबाजी आ रहे हैं, पूरा देश इस समय शर्मसार है हाथरस की घटना को लेके, राजस्थान की घटना को लेके, मध्य प्रदेश की घटनाओं को लेके, छत्तीसगढ़ की घटनाओं को लेके। जिस तरीके से बयान नेताओं के सामने आ रहे कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्मसार करने वाले बयान है, क्योंकि कोई नेता बता रहे हैं कि हाथरस की घटना बड़ी है, कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान की जो घटना है वो हाथरस से छोटी घटना है। कुल मिला के ये घटनाएं दुष्कर्म की है और बच्चियों के साथ बढ़ते अत्याचार की है। लेकिन जिस तरीके से नेता की ये बयानबाजी आ रही है कहीं तो कहीं ना कहीं ये चेहरा उनका भी उजागर साफ तौर पे हो रहा है कि उन्हें महिला सुरक्षा से ज्यादा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इस समय जरूरत पड़ी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों के ऊपर उपचुनाव है अमनदीप, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल है, यानी हम बात करें प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान की, अगर हम बात करें पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल के जो मुख्य नुमाइंदे है वो बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेके जिस तरीके से कानून बनाना चाहिए था वो कानून अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग जो है 1500 ऐसे प्रकरण है जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं बच्चियों के दुष्कर्म के मामलों को लेके, उसके ऊपर लेके किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, यानी साफ तौर पे एक पूरा ढुलमिल रवैया सामने दिख रहा है अमनदीप। ऐसे में जो लोग है जिस तरीके से लगातार बच्चियों को शिकार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए खुला एक हाथ मिलता है, यानी एक कानून व्यवस्था की जो कानून व्यवस्था के दावे कर रहे हैं उसकी पोल खुल रही है, उनके पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश से पूरे देश की जो स्थिति है वाकई में बहुत बुरी स्थिति है और इसी को लेकर जो जनता है वो काफी ज्यादा नाराज देख रही है। सुप्रिया आपके पास आऊंगी, इससे पहले निर्भया केस सामने आया, उसके बाद में लगातार जो रेप केसेस हैं उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं देखी गई। जनता की हमेशा से यही मांग है कि इसको लेकर कड़ा कानून होना चाहिए जिसके चलते ऐसे जो केसेस हैं उस पर कमी लग सके, पर हमेशा से हम देखते हैं कि कैंडल मार्च निकाला जाता है, सरकारों को घेरा जाता है, सिर्फ पार्टी तक ही रहकर लोग सोचते हैं, पार्टी से उठकर नहीं सोचते हैं। अभी भी कार्रवाई की बात कही गई थी, नेता को हटाने की बात कही थी, किस तरह की अब कार्रवाई वहां पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है दुष्कर्म या किसी भी राज्य में अगर दुष्कर्म की बात करें तो कड़ा कानून यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं देता। वहीं राजनीति जो राजनीतियाँ यहाँ पर होती है, विपक्ष जो पार्टी है किसी भी राज्य में जिसकी सरकार है उससे विपरीत जो विपक्ष पार्टी होती है वो लगातार सरकार को घेरने की तैयारी करती है। उन्हें जैसे मानो कि उन्हें एक मुद्दा मिल गया हो कि बेटी का बलात्कार यहाँ पर हुआ है तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इस तरह से यहाँ पर उनको मुद्दा मिल जाता है कि वो राजनीति जो है वो उनकी राजनीतियाँ जो है वो हो सके, राजनीति रोटी सेक सके। इस तरीके से यहाँ पर जो बेटियों को लेकर के लगातार विरोध जारी होता है, विपक्ष जो है वो हमेशा आक्रामक होती है और सरकार को घेरती रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से भी किसी तरह का कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आज जो है डीजीपी डीएम अवस्थी भी बैठक ले रहे हैं पुलिस अधीक्षकों के साथ, आज शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बैठक लेंगे और इस बैठक में महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही आज पुलिस अधीक्षकों की क्लास भी ली जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदेश में जो महिलाओं के ऊपर जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लगाया जा रहे, इस पर लेकर के बैठक भी होगी और बैठक में डीजीपी जो है पुलिस अधीक्षकों की क्लास ले सकते हैं, उन्हें निर्देश दे सकते हैं, उन्हें कड़ी कार्रवाई करने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा कि बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।
मरवाही।